यकीनन आप सोच रहे होंगे कि अब किससे मुलाकात करवाने वाली हूँ मैं, है ना? तो मिलवाती हूँ आपको आज के दोस्तों से। हमारे आज के पहले मेहमान है बहुत अच्छे फनकार, हर तरह का अवॉर्ड किया, हर तरह का कैरेक्टर किया, एक मजेदार शख्सियत के मालिक शबीर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ईद मुबारक। खैर मर जी, मेरी तरफ से आपको भी, हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, हमारी आज की दूसरी मेहमान है खूबसूरत अदाकारा, खूबसूरत इंसान शबाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, हमारी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत, पूरी टीम को भी और व्यूअर्स को भी, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। बहुत शुक्रिया जी आपके बुलाने का। जी दोस्तों, हमारे आज के तीसरे मेहमान भी फनकार है। अभी इन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन थोड़े काम में भी इन्होंने साबित कर दिया कि ये बहुत अच्छे अदाकार है, बॉर्न एक्टर है, गॉड गिफ्टेड है। इन्हीं की जुबानी आपको बताएंगे इनके बारे में बहुत सी बातें। हमारे ये दोस्त हैं अली रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से, मेरे दिल से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। शबीर शाह साहब जी, ईद का दिन जैसे कि नाम से ही खुशी की एक लहर, आप ईद कैसे मनाते हैं? औजु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद जो मेरा जिंदगी का अपना सिलसिला है, मैं सुबह पहले उठ के नमाज पढ़ता हूँ, माशाल्लाह, उसके बाद सीधा कब्रिस्तान, अपने वालिदैन की कब्रों पे जाना, ये हमारी जिंदगी का प्रॉपर मेरा हिस्सा है। फिर वापस आना, फिर आके ईद के लिए जाना, ईद की नमाज पढ़ना, घर आना, तो ईद तो बच्चों की होती है। अब हमारी ईदें क्या हैं? वैसे पहले कुछ सालों की ईदें और इस दफा की ईद में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? ईद ईद है, चाहे कैसा भी हो, हालात कैसे भी हों, हम भी हैं मुस्लिम, हमारा ईमान भी है, तो हमारे लिए ये ईद जो है ना, रमजान के बाद जब आप रोजा रखते हैं पूरा महीना, अल्लाह के सामने सर्वसजूद होते हैं, उसके गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते हैं, उससे माफी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सिलसिला हमारा जब चलता है, जब चांद रात आती है, तो जो मजा होता है उस ईद का, जब जिसने रोजा रखा होता है, जिसने अपने अल्लाह से लो लगाई होती है, जिसने अपने मालिक के सामने जो झुका हो सारा महीना, तो मजा उसको आता है ईद का, वो ईद है। ईद तो वैसे भी खुशी बांटने का नाम है, मिल बैठ के एक दूसरे से बातचीत करना, यही खुशी है, यही खुशी है। तो ईद तो उसे कहते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में देखें आप, बिल्कुल, कोई आपका भाई भूखा ना सोया हो, एहसास होना जरूरी है ना, एहसास होना, ऐसा ईद नाम ही एहसास का है कि आपके पड़ोस में कोई आगे पीछे कोई भूखा ना हो, किसी के, किसी ने कपड़े ना पहने, किसी ने जूते ना पहना हो, तो आप दूसरों का ख्याल करेंगे तो वो आपके लिए ईद है। बिल्कुल सही कह रही है, किसी को खुश करने में ही असल खुशी मिलती है। बिल्कुल, असल खुशी यही है कि आप अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करेंगे, उसका ख्याल करेंगे, ये ईद है। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, आपसे और भी बातचीत करेंगे। अली, आप बताएं, आप न्यू कमर हैं, एक आम इंसान और एक आर्टिस्ट की ईद में क्या फर्क महसूस करते हैं? या आप एक्टर होके, मशहूर होके, अब आपको क्या लगता है, आप अब आपकी ईदें कैसी होती हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस तरह से मशहूर तो नहीं हूँ मैं, मेरे सीनियर्स बैठे हैं मेरे साथ, माशाल्लाह इनके साथ ही काम किया है, इनके साथ से सीख कर मैं जो है वो अब सीख रहा हूँ और साथ साथ अपना काम जारी रखे हूँ। बस ईद का जैसा कि शाह साहब ने कहा, सबसे पहले ईद, आप सुबह सवेरे उठते हैं और कब्रिस्तान जाते हैं अपने बुजुर्गों की कब्रों के ऊपर, और उसके बाद ईद की नमाज होती है, देन मीठा जो ईद पे बनता है ना, उसकी बड़ी खुशी होती है घरों के अंदर जो मीठा बनता है। हालांकि वैसे भी मीठा खाया जाता है, लेकिन ईद के लिए एक स्पेशल एक्साइटमेंट होती है। लेकिन वो एक्साइटमेंट हुआ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो एक्साइटमेंट होती है ना उसकी, ईद के मीठे की, वो एक बड़ी, वो उसका अपना एक मजा होता है। फिर कुछ रिलेटिव्स आपके होते हैं जो बुजुर्ग कह रहे, जो बड़े घर होते हैं आपके खानदान के, वहाँ जाना, उनसे ईद मिलना, क्योंकि मैं छोटा हूँ
तो ऑब्वियसली हमें जाना पड़ता है, हम जाते हैं, मिलते हैं। तो ईदियां भी तो बहुत मिलती होंगी आपको छोटे होने की वजह से। एग्जैक्टली, कुछ ईदियां वसूल करते हैं, लेकिन अब हम उस तरह छोटे नहीं रहे क्योंकि हमसे छोटे भी हैं, भाइयों के बच्चे, सिस्टर्स के बच्चे, तो वो फिर हमारे टांगों को चिपक रहे होते हैं, वही हमारी ईदी। तो हमने जो ईदी ली होती है उससे डबल देनी पड़ती है। तो माशाल्लाह से, लेकिन ये अच्छा, शॉपिंग की आप बात कर रहे थे जैसे इनके साथ अभी, तो वो यही हुआ कि अभी लॉकडाउन ऑब्वियसली है, थोड़ा सा रिलीफ भी है लॉकडाउन के अंदर, तो उसमें हमें ये थोड़ा सा फायदा हुआ, मैं गया बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। भतीजे जो स्पेशली मेरे जो है ना, वो बहुत मेरे साथ अटैच्ड हैं, तो उनका यही होता है कि चाचू आपने मुझे शॉपिंग करके देनी है और मेरी शॉपिंग मुझे साथ लेके जाना है। अब बच्चों को साथ ले जाया भी नहीं जा सकता इस टाइम पे, तो फिर मैं अकेला गया और कुछ शॉपिंग करके बच्चों की कुछ तो चीजें की और कुछ घर के अंदर ही मामला बच्चों के सीधे किए गए, क्योंकि बच्चों की तो ईद है। हम तो शॉपिंग की सेंस हर इंसान को नहीं होती, जिसको बहुत शौक हो ना तो उसकी शॉपिंग भी बहुत अच्छी होती है। Exactly, आप शॉपिंग में कैसे हो? मैं खुद अपने मुंह से कैसे बता सकता हूँ, लेकिन मतलब आपकी लाई हुई चीजें दूसरों को पसंद आती हैं? बिल्कुल आती हैं, इसीलिए मुझे वो पुश करते हैं, मुझे हाँ भाई भी बोल रहे हैं यार कि ऐसा करना बच्चों के कपड़ों के लिए ना, तो इस चक्कर में ज्यादा खर्चा नहीं हो जाता? बस हो जाता है क्या करें, वो जैसा मैंने कहा ना कि बच्चों की ईद है, तो हमने तो खुद को संभाल लेना, खुद को कह लेना कि यार नहीं हम नहीं अभी निकल नहीं सकते, ऑब्वियसली एक ऐसा माहौल नहीं है कि आप बाहर जा सकते हैं, हम तो समझ सकते हैं, बच्चे नहीं समझ सकते, तो बच्चों के ऊपर जो खर्च किया होता है आई थिंक वही हमारे काम आएगा, वही है हमारे लिए जो कुछ। शबीर शाह साहब, हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो जानना चाहते हैं कि हमारे एक्टर जो हैं इनकी लाइफ में क्या मुख्तलिफ होता है। हमारी लाइफ में मुख्तलिफ तो कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें वही होती हैं। वैसे एक्टर भी तो एक आम इंसान ही होते हैं। वही मैं कहने लगा था कि एक आम इंसान की तरह ही होती है हमारी चीजें में, हम भी इंसान है। लेकिन जनरल पब्लिक को लगता है कि शायद एक्टर जो है वो थोड़े स्पेशल होते हैं, शायद इनकी लाइफ भी स्पेशल होती है, शायद इनके जीने का ढंग थोड़ा डिफरेंट होता होगा। बस वो लोगों की फीलिंग होती है ना, क्योंकि वो हमें जिस अंदाज में देखते हैं उनका वो थोड़ा सा हम उनसे अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, हमारा एक अलग पोर्शन बन जाता है, तो उनके अंदर जो चीजें होती हैं वो उसी तरह फील करते हैं कि यार पता नहीं ये क्या है, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं होता, हम भी उन्हीं की तरह इंसान है, हमारे अंदर भी एक गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर तो है नहीं, हमारे भी एहसास होते हैं, जज्बात हैं, सब कुछ उन्हीं की तरह है, तो बस थोड़ा सा जो फर्क है वो उनके सोचने का है, जो हमें वो जिस अंदाज में देख रहे होते हैं या जिस तरह देखा होता है उनकी, उन्होंने हमें एक जगह पे बिठाया होता है, तो वो उसी तरह हमें ट्रीट करते हैं, कहते हैं यार स्पेशल लोग। सॉरी मैं एक बात करना चाहूंगा, मैंने पिछले दिनों में एक इंटरव्यू सुना था मैं अली जफर का, तो उनसे भी इसी तरह से ना एंकर पूछ रहे हैं कि आपकी ईद में क्या, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आपकी ईद में क्या स्पेशल होता है, तो उसने ना बड़े मासूमाना तरीके से, हाँ मैं भी सुबह उठता हूँ, ईद की नमाज पढ़ता हूँ और फिर मीठा खाता हूँ, और देखे ना मतलब जैसे शाह साहब कह रहे हैं कि हम भी नॉर्मली इंसान ही हैं, हम लोग भी, तो हमारी ईद भी वैसे ही होती है जैसे आम लोगों की होती है। लेकिन इसके बावजूद देखने वालों को तजस्सुस होता है, वो जानना चाहते हैं कि हम जिसको स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी क्या हमारी तरह ही जिंदगी गुजार रहा होता है, अच्छा, या उसकी जिंदगी में कुछ मुख्तलिफ हो रहा है। अच्छा बिना इस बात में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मैंने एक शादी पे जाना था, शादी गांव में थी, अब वो दोस्त थी मेरी जिनके घर में शादी पे गई हुई थी, उन्होंने समझा कि ये ड्रामों में काम करती आती, ये पता नहीं क्या बन के आएगी, क्या पहन के आएगी, वो ना मेरे जाने से एक दिन पहले वो स्पेशल अपने हस्बैंड को पुश करके ना शॉपिंग पे लेके गई हैं, शॉपिंग करके लाई हैं, जब आके तो उन्होंने वो ड्रेसेस पहने, जाना गांव में था और स्लीवलेस और अजीब अजीब किस्म के वो पहन लिए उन्होंने कपड़े, और सारी शादी पे फिर खुद ही एम्बेरसमेंट का शिकार रही हैं कि मैं क्या बनी हुई हूँ। मतलब लोग समझते हैं कि वो आर्टिस्ट हैं तो वो पता नहीं कैसे वो करते होंगे, वो पता नहीं उनका अलग से एक लाइफ होगी, एक्चुअली अलग लाइफ नहीं होती है, हम आर्टिस्ट लोग हैं ज़रूर, लेकिन हम लोगों को जो ये कर करके काम ना, हम लोगों को माहौल को समझना आ जाता है, हमें पता है हमने गाँव में जाना है, हमने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। शबाना साहिबा, असल में हमारी जो जनरल पब्लिक है वो बहुत मासूम है। Exactly. और फैशन सेंस तो देखिए, हम लोग फैशन कर करके हम लोगों को समझ आ जाती है, लेकिन मासूम लोगों को समझ नहीं आती कहाँ कैसे क्या करना है। उन लोगों ने हमारा लेवल बहुत अप रखा होता है ना, वो समझते हैं कि पता नहीं इनका जो है ना ये इस फील्ड में है तो इन इस प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो इनका माहौल जो होगा घर का पता नहीं है, एक्चुअली हमारे घर का माहौल भी बिल्कुल आम पब्लिक के जैसा ही होता है।
लेकिन वो अपने दिमाग में आपको समझते हैं ना कि आप थोड़ा सा ख्वाबों की दुनिया में रहे। हाँ, सेलिब्रिटी हैं तो वो एक वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते थे, स्नो स्पेशल है। हाँ, स्पेशल चीज, स्नो वाइट टाइप की कोई चीज है, वो मुख्तलिफ है। आप एक्टर वैसे वाकई स्पेशल होता भी है, होता है वो ज्यादा हसास होता है, हर चीज को ज्यादा फीलिंग ज्यादा। हाँ बिल्कुल। तो हमारी, आप बताएं, आपको बचपन से शौक था, किसी वजह से शौक हुआ, कैसे आई शोबिज़ में? हादसा तो नहीं कह सकता, शौक जरूर था मुझे बचपन से ही, मूवीज देखना एंड देन पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे देखना। अच्छा। और बचपन में हम जिस वक्त छोटे छोटे थे तो अंगारवादी और ये जो ड्रामास थे अल्फा ब्रावो चार्ली, ये ड्रामास बड़े मेरे लिए होते थे कि यार ये लोग, इनकी एक्टिंग, और उस वक्त समझ नहीं थी कि कैमरे के सामने क्या होता है, कैमरे के पीछे क्या हो रहा होता है। देन फिर वो शौक बढ़ता गया और कुछ चीज़ें खुद से ही करना, फिर स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करना। अच्छा। आगे रहना इन चीजों में यार, के मुझे चांस मिले और मैं ये चीज करूं, मैं करूं। और तो अपने घर वालों को कभी एक्टिंग करके दिखाते थे? अभी जब इस फील्ड में आए हमें हमने जानना शुरू किया, लेकिन बहुत से आप कह सकते हैं कि उस्ताद्जा होते हैं जिनकी वजह से आप जानते हैं, जिनकी वजह से आप चीजों को समझते हैं। तो अंदर भी कुछ ना कुछ होता है, एक क्रेज, एक शौक, जैसे आप जब तक अंदर ना हो फिर तो बंदा ये काम कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। लेकिन उसको पॉलिशिंग की बहुत जरूरत होती है मेरे ख्याल से, तो पॉलिश करने वाले लोग मेरी जिंदगी में रहे हमेशा से, शुरू से लेके, क्योंकि मैंने स्टार्ट लिया तो मैं PNCA में एक प्ले से स्टार्ट लिया मैंने, थिएटर से स्टार्ट लिया। थिएटर भी किया? जी, थिएटर से स्टार्ट लिया मैंने। उसमें फिर एक रिहर्सल के दौरान मुझे याद है कि हमारे एक बड़े अच्छे, मैं उन्हें अपना मोहसिन कहूँगा, सुलेमान भाई, सुलेमान सनी के नाम से उन्हें सब लोग जानते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान टेलीविजन में कुछ लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं जो काम नए लोगों को चांसेस देते हैं, आप जाएं ट्राई करें। मैं गया, फिर म्यूजिक के हवाले से मुझे वहाँ पे थोड़ा सा चांस मिला, मैंने काम किया। देन मैंने अपना एक प्ले किया, सबसे पहला प्ले मैंने जो किया उसमें एक शॉर्ट स्टोरी आप कह सकते हैं, वो लिखा गया था तारिक मिराज साहब का। अच्छा। तारिक मिराज साहब का नाम जिस वक्त मैंने सुना तो मुझे बड़ा वो फील हुआ, मैंने कहा तारिक मिराज साहब का ड्रामा लिखा हुआ अगर मैं करूँगा तो, क्योंकि मुझे ऑफर जो थी वो फारूक अब्बास राजा साहब जो उनके शागिर्दों में से हैं, जो इस ऑनर भी हैं, तो उन्होंने मुझे चांस दिया उसमें और लीड कैरेक्टर करने का उन्होंने मुझे बोला कि तो बहुत बड़े नसीब की बात है कि स्टार्ट में आते ही आपको इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका। एग्जैक्टली। और फिर ऐसा हुआ कि फारूक साहब के रूम में मैं, मुझे जब उन्होंने बुलाया कि बेटा तुमने ये करना है, और मैंने कहा सर ठीक है आप करवाएंगे तो ही कर पाऊंगा मैं, और मुझे था भी यही। देन उन्होंने मुझे कहा कि आज शाम को ना 4 बजे तुमने आना है, और 4 बजे मैं तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा तारिक साहब से जिन्होंने लिखा है ये प्ले। अब मेरा एक रंग आए और एक जाए, मैं फारूक साहब के सामने बैठा हूँ और मैं बड़ा, मैंने कहा यार अल्लाह खैर ही करे आज, पहले तो फारूक साहब के साथ ही मिलना मेरे लिए बड़ा वो एक था ना, बहुत बड़ी बात थी, ऊपर से तारिक मिराज का लिखा हुआ प्रोजेक्ट करना, एक अगला स्टेप मेरे लिए तारिक, बहुत अच्छे नसीब हैं आपके। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया फारूक साहब ने, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, वो मुझे लेकर गए, मेरे साथ जो लड़की थी जो लीड कैरेक्टर हम दोनों कर रहे थे, हमें लेकर गए उनके रूम में, उन्होंने हमसे वो मिले, फिर उन्होंने एक रिहर्सल देखी जो पहले से तैयार करवाई गई थी फारूक साहब के थ्रू, मुझे उस लड़की को तैयार करवाई गई थी, पहले हमने 1-2 घंटे 3 घंटे बैठ के काफ़ी डिस्कशन की, मुझे समझाया, फिर हमने वो किया सारा, तो तारिक साहब को कुछ बेहतर लगा, कुछ पसंद आया। लेकिन जब वो ड्रामा बन गया तो फिर उसके बाद जो उनको अप्रिसिएशन की कॉल्स आई हैं उसके बाद उन्हें लगा कि यार ये ठीक चीज़ बनी है, तारिक साहब की तरफ से भी अप्रिशिएट किया गया फारूक साहब को, तो वो बड़ी। और एक फिर मैंने एक और प्ले किया सनम खाना, वो भी फारूक साहब के साथ, और वो भी लिखा हुआ तारिक मिराज साहब का। वाह। तारिक मिराज साहब ने जितना मेरी नॉलेज के मुताबिक उन्होंने 4 ड्रामे लिखे हैं अपने अपनी लाइफ में, 2 उन्होंने जो हैं वो, 2 उनके ड्रामे जो हैं वो फारूक अब्बास राजा साहब ने किए हैं, और उन्होंने मुझे लीड करेक्टर पर रखा उन दोनों ड्रामाज में, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। और मुझे मैं कह सकता हूँ कि मुझे स्टार्ट में ही ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे सिखाया अपने बच्चों की तरह। मतलब तो आपको तो स्टार्ट में ही गोल्डन चांस मिल गया। बस
इसकी खुशी आप शायद फील कर रहे होंगे कि मैं बोलने में भी मुझे जब वो सारी चीजें मेरे दिमाग में आती हैं याद करता हूँ रिकॉल करके भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है तो मैं बिल्कुल वो याद करता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली बोलना नहीं आ रहा इस वक्त मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा कि यार मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ आप फिर रिहर्सल्स के सारी चीजों में से मैं निकला और फिर ऑन सेट आ गया मैं फिर ऑन सेट भी मुझे मेरे उस्ताद जो हैं जो फारूक अब्बास साहब हैं उनसे मुझे ये सिर्फ एक्टिंग ही नहीं था कैमरे को भी समझना लाइट अपनी समझना इन चीज़ों को भी समझने में मुझे जितनी मदद मिली और फिर उसके बाद जो मैं जितना भी मैंने काम किया वो सारा कुछ आप कह सकते हैं कि उन्हीं की मरहूने मिन्नत मैं फिर स्टेप्स के मुताबिक हाँ अली वो यार मुझे याद आया वो तुम्हारा एक सीन था जो 7-7.5 मिनट का था वंडरफुल परफॉर्मेंस यार वो नरगिस रशीद के साथ आपकी कमाल वो 7.5 मिनट इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकता यार शायद वो सनम खाना के अंदर हाँ हाँ वही वही जी जी बहुत बिल्कुल उसी के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि वो सीन जब ऑन एयर आया और मैंने जब देखा तो मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ और ये मैंने किया है अच्छा लेकिन फिर उस वक्त बैठ कर भी मैं यही सोच रहा था कि यार मैंने किया नहीं है ये मुझसे करवाया गया है तो फिर ही मैं कर सका बस यही होता है कि आप अपने लाइफ में अपने बड़ों से सीखते हैं और जो सिखाने वाले अगर आपको अच्छे मिले तो फिर आप कर सकते हैं अच्छे उस्ताद मिलना भी बड़ी खुशकिस्मती होती है ना और ये हमारा जो काम है ये कुछ इस तरह का है कि लोग देखते हैं कि ये 25 मिनट का ड्रामा है आधे घंटे का ड्रामा है क्या है ये लेकिन हमने जो प्ले किया था एक साथ ख्वाब जो आंखों ने देखे टेलीफिल्म थी वो हमने की थी तो जब हम कर रहे थे 14-15 दिनों में उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी और उस दौरान में लोग समझते हैं कि बस ये एक बंदा है जी कैमरा पकड़ के खड़ा है और उसने वो ड्रामा शूट कर लिया है और ये टीम जो है ना ये आगे वो चल फिर के तो वो चली गई है घर लेकिन उस दौरान में हमें कितनी मुश्किलात होती हैं इस चीज़ से उनको मतलब कोई पता नहीं चलता है वो उसके पीछे कैमरा की सर्दी में बर्फबारी में काम किया बीमार हुए और इतने शदीद हम लोग बीमार हुए और टीम जो होती है फिर कैमरे के पीछे जो टीम होती है पूरी कोई बूम ऑपरेटर है कोई वो जो है कैमरामैन है कोई असिस्टेंट है लाइटमैन है प्रोड्यूसर डायरेक्टर है स्पॉट बॉयज इतनी बड़ी टीम पीछे होती है कुछ ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़ होती है मिसहैप्स होते हैं बीच में टाइम वेस्ट होता है लाइट चली गई कभी जाता है तो किसी को पता ही नहीं चलता किसी को पता ही नहीं चलता मसला भी हुआ होगा बिल्कुल यूं प्ले गुजर जाता है लेकिन उसी को करने में महीनों लग जाते हैं महीनों लगते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत होती है आर्टिस्ट की जो फिर वो खुशी है ना वो फिर जब फीडबैक आता है ना फीडबैक इतनी ज्यादा मेहनत के बाद आपको जब उस 25 मिनट के प्ले का एक फीडबैक अच्छा उसकी थकान जो होती है वो फिर सब निकल जाता है उसमें उतरती है मेहनत वसूल हो जाती है बीमारी भी सारी भूल जाती है क्या हुआ था हमारे साथ क्या नहीं क्योंकि जो एप्रिसिएशन होती है ना वो फनकार के लिए ऑक्सीजन उससे वो जिंदा हो जाता है फिर उसका दिल करता है कि अगली दफा मैं और अच्छा काम करूं और मेहनत करूं खून बढ़ता है यार एप्रिसिएशन जब मिलती है तो खून बढ़ता है लोग कहते हैं कि हाँ बस ये इतना ड्रामा था हो गया वो इतना ड्रामा नहीं होता उसके पीछे एक पूरी टीम होती है उनकी मेहनत होती है मौसम की सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखा जाता उसमें बड़ी बड़ी गर्मी में स्वेटर पहनने पड़ते हैं जैकेटें पहननी पड़ती हैं बड़ी बड़ी सर्दी में हल्के कपड़े पहनने पड़ते हैं उसमें वो सारा कुछ हमने वो लोगों तक पहुँचाना होता है बहुत सारी मुश्किलात होती हैं लेकिन जब एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो फिर बंदा जो ना वो थोड़ा सा डल हो जाता है एप्रिसिएशन बहुत बड़ी चीज है आर्टिस्ट के लिए उसकी जिंदगी है उसकी जिंदगी है उसको एप्रिशिएट करना जो है ना वो इस तरह है जैसे आप उसको जिंदा कर रहे हैं उसको ब्लड दे रहे हैं उसको वो खून बढ़ता है सही कह रही शाहजी आप हमें बताएं आपकी ये जर्नी बहुत लंबी है आपने हर तरह के रोल किए हर तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम किया बेशुमार अवार्ड्स मिले आपको आपके दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर है पहली काम तो मेरा बेशुमार है लेकिन काम सारे अच्छे होते हैं एक्टर के करीब जो एक्टर है ना उसके दिल के करीब हर काम होता है चाहे उसने एक सीन किया हो बिल्कुल क्योंकि एक्टर वही है ये नहीं है कि छोटा है बड़ा है वो मुझे क्या दे दिया जी मुझे एक सीन दे दिया मैं तो इतना बड़ा एक्टर हूँ बड़ा छोटा काम नहीं होता काम काम होता है लेकिन मेरी जिंदगी में बड़े जबरदस्त रोल भी आए वही तो हम जानना चाह रहे हैं उसी तरफ आ रहा हूँ तो मेरा एक खेल था इस तरह जी बड़ा सीरियल, मशहूर सीरियल जी बिल्कुल सीरियल उसमें बल्कि फारूक अब्बास साहब भी उस वक्त
उस खेल के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, मुझे याद है वो मेरा सीन हो रहा था वो गांव का पकवान, तो उसमें वो मेरे साथ थे, तो मैं उस बाद में आऊँगा, पहले मैं अपना वो सिलसिला चलाता हूँ। तो उसमें मैंने एक पागल मजजूब का रोल किया था जिसके कपड़े फटे हुए हैं, पाँव में जूता नहीं है। और आपको ये भी मैं एक बात बता दूं कि उस गांव में कीकर के दरख्त थे और कीकर के कांटा जो होता है वो कील से ज्यादा सख्त होता है, बहुत जहरीला होता है, जहरीला भी सख्त होता है, वो इतना सख्त होता है कि कील उसके बहुत पेनफुल होता है वो, सच्ची मेरे साथ एक बार हुआ ऐसा। और उसमें जमीनों में हर तरह के वो होते हैं कांटेदार जो कुछ पौधे होते हैं, कांटे भी होते हैं, कुछ नुकीले पत्थर होते हैं, पांव में चुभते हैं, चीज होती है, फसल कटी होती है उसका वो कहते हैं वो कील को, वो कहते हैं कि वो डंडियां जो होती हैं वो आपको फर्क कर देती है आपके पांव को। तो आपने नंगे पांव किया सारा कैरेक्टर, पांव। और उसमें मेरा वो कैरेक्टर ऐसा था कि मेरे पास कोई डायलॉग नहीं था, विदाउट डायलॉग साइलेंट कैरेक्टर था, मेरे पास एक चीख थी और एक मेरा लाफ्टर था। और एक्टर के पास अगर जुमला ना हो, अगर उसका एक्सप्रेशन ना हो, तो एक्टर की मौत है। तो जब वो रोल मुझे मिला तो मैं शीशे के सामने खड़ा होता था, अपनी हर चीज बनाता था, पागलपन, ये करना वो करना, जितना टाइम वो हम रिकॉर्डिंग पे नहीं गए तो मैं शीशे के सामने होके मैं अपनी चीज नहीं ये नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि एक्टर कुछ भी नहीं होता, ये मेरे अल्लाह की देन होती है, जब उसका फजल होता है तो आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं, वो आपको तार देता है। वो रोल जब मैंने किया, जब हमारा पायलट बना, जब वो हमारा हेड ऑफिस में गया वो पायलट, जब देखा गया पूरे पाकिस्तान के हर सेंटर से आते हैं वो जब देखा गया तो मुझे फोन पे पता चला, जब मुझे हमारे पीएम साहब ने फोन किया तो उन्होंने कहा जी यार क्या काम है यार, ये काम है। तो मैंने उसमें वो काम किया, मुझे ये नहीं पता होता था कि मैं ओरिजिनल पागल हूँ या मैं एक्टर हूँ। मैं उस कैरेक्टर को इतना डीप मैंने फील किया, इतना फील किया कि मेरे अंदर रच बस गया वो रोल। मैं ऐसे उसमें जाता था कि मैं जब रोल से वापस आता था मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किधर हूँ, इतना कांटे लगते थे, मुझे फील नहीं होता था, पूरा मेरा जिस्म छीला होता था, खून बह रहा होता था, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, इधर भाग रहा, उधर ईंट एक हाथ में है। लेकिन उसका मुझे क्या हुआ, एक्टिंग जुनून का नाम है, आपका जुनून आपको लेके चलता है, जिसमें जुनून नहीं है। एक बात और जी, जी हमारे दोस्त थे प्रोड्यूसर हसनैन मलिक साहब, उनके साथ भी हमारा बहुत काम है, बहुत काम किया। पिछले दिनों उनकी डेथ हो गई, तो हम सब उनके लिए दुआ गुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, उनकी अगली मंजिलें आसान करें, परवरदिगार इस रमज़ान के महीने में उनकी सारी अगली जो मंजिलें हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। यकीनन वो अच्छे और नेक इंसान थे जो उनको इतने अच्छे दिन मिले। कहते हैं ना कि इन दिनों में जो जाता है वो तो डायरेक्ट बख्शा जाता है, बस ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है, उसके फजल की बस जरूरत है इंसान को, हमेशा उससे उसका फजल मांगो। वो तो चले गए हैं लेकिन उनके साथ वाबस्ता जो यादें हैं वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छा डायरेक्टर। तो मैं दोबारा फिर यही कहूंगा कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। मेरे करियर के कम वक्त में मुझे भी ये मौका मिला कि मैंने हुसैन मलिक साहब के साथ भी काम किया। अच्छा, वेरी गुड। 25 मिनट का प्ले था, वो किया मैंने उनके साथ, और बड़े शफीक, बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे इंसान। और मुझे वो अली भाई कह के बुलाते थे, हालांकि मुझसे वो ऑब्वियसली एक तो बहुत ज्यादा सीनियर थे, बड़े थे डायरेक्टर के हिसाब से, प्रोड्यूसर के हिसाब से, और मुझे अली भाई कह के बुलाते थे हमेशा। नहीं, वो सबको इज्जत देते थे, न्यू टैलेंट को, जूनियर को, सबसे इज्जत से बात करते थे। मुझे पिछले दिनों जब बस मैं शामिल नहीं हो सका उनके आखिरी वक्त में, बट मुझे पता चला और बहुत अफसोस। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। बस अच्छे लोग।
अल्लाह ताला उनकी वो अगली मंजिलें सारी आसान करे। आमीन। इसी का नाम जिंदगी है। बिल्कुल। अच्छा अली, आपको गाने का भी शौक है ना? हाँ, कुछ थोड़ा सा म्यूजिक के साथ है मेरा लगाव। ईद है, खुशी का मौका है, क्या ख्याल है, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे? जरूर, मैं कोशिश करता हूँ कुछ गाने। सजाद अली साहब को बहुत सुनता हूँ मैं। आप अपना फेवरेट सुनाएं। चले, मैं उन्हीं का थोड़ा सा सुना देता हूँ। जिसकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस है, जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं। जी, मुझे पसंद भी है, तो मैं थोड़ा सा सुनाऊं। मैंने एक किताब लिखी है, मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब के पहले सफे पर तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम लिखा है। दूसरे सफे पे मैंने सीधी सादी बातें लिखी, लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज। दूसरे सफे पे मैंने सीधी सादी बातें लिखी, लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज, आती है आवाज। मैंने जो आवाज सुनी है, मैंने जो आवाज सुनी है, उस आवाज के पहले सुरों में तेरा नाम सुना है, तेरा नाम लिखा है, तेरा नाम। मुझे तो लगा था कि आप बाथरूम सिंगर होंगे, लेकिन अब लग रहा है कि आप तो पूरे ट्रेंड सिंगर। आपको भी लग रहा है? माशाल्लाह अली, बहुत आला है, बहुत अच्छे। क्या आपने सीखा है या शौक किया है? बस ये उसी तरह से शौक है जैसे एक्टिंग का शौक। और कोई बकायदा उस्ताद नहीं या कुछ? अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत शौक है कि मैं सीख सकूं और प्रॉपर जो मेरी। वैसे आप थोड़ी सी और कोशिश करें तो आप प्रोफेशनल सिंगर बन सकते हैं, जरूर तवज्जो दीजिएगा। आपकी दुआएं हुई तो इंशाल्लाह। नहीं, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और आपका अंदाज भी बहुत अच्छा है। बस अल्लाह की तरफ से। हम चाहेंगे कि आप एक्टर के साथ साथ सिंगर भी हों। मैंने सुना है कि आपकी आवाज तो है ही अच्छी और आपको भी उबूर हासिल है। जी मैं बस क्योंकि उनको क्लोजिंग है। शिवाना, आप बताएं, इस फील्ड में आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? फैमिली ने सपोर्ट किया? आसानी से स्टार बन गई? आसानी से तो मेरे ख्याल में कोई खुशकिस्मत ही होंगे जो स्टार बनते हैं। हमारे लिए तो ऑब्वियसली ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी। अच्छा। हाँ, तो काम करते करते अचानक फिर कुछ लोग ऐसे थे जिनकी नज़र पड़ गई, उन्होंने मुझे आर्टिस्ट आपके अंदर उनको कैरेक्टर एक्टिंग के जरासीम नज़र आ गए। हाँ, वो नज़र आ गए, तो उन्होंने कहा कि ये भी करें आप साथ। फिर वो मेकअप आर्टिस्ट वाला तो काम पीछे रह गया, फिर ड्रामा आर्टिस्ट बन गए। ड्रामा आर्टिस्ट में मैं बात कर रही थी फारूक अब्बास साहब की, उन्होंने मेरे से कुछ ऐसे करेक्टर करवाए हैं कि जिनको देख के मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि ये वाकई मैंने किए हैं। तो एक दफ़ा इन्होंने मुझे कॉल की तो मुझे कहते हैं कि कल आना है तुमने, तो कल आके तो स्क्रिप्ट लेना है। मैंने कहा क्या है? कहते हैं हाँ वो एक दो गाने हैं स्टेज पे करने हैं। मैंने कहा सर जी स्टेज तो मैंने कभी किया नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी? तो कहने लगे वो मेरा काम है करवाना, तुम आ जाना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अगर आप कह रहे हैं तो मैं आ जाऊँगी, देख लेना, स्टेज पे तो लाइव ऑडियंस होती है, वो तो फ़ौरन रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं कर सकूँगी। कहते हैं तुम आ जाना, बस करवा लेंगे। इन्होंने, मैं गई तो इन्होंने दो गानों का वो था, दो गानों का क्या कहते हैं
दो गाने थे वो मुझे दे दिए, कहते हैं कि इन पे लिपसिंग करनी है आपने। और स्टेज पे, अब स्टेज पे मैं जो बंदी कभी स्टेज पे जाके खड़ी नहीं हुई, मुझे क्या पता स्टेज पे मैंने क्या करना है लाइव ऑडियंस के सामने। आप यकीन करो मैंने वो लंबे लंबे, मैंने वो शुक्र है वो मैक्सी टाइप मैंने पहने हुए थे, शुक्र है लोगों को मेरी टांगे नहीं नजर आई, नहीं हिल रही थी टांगे मेरी। और वो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अच्छा हो गया। उनके कॉन्फिडेंस की बात मैं बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक कैरेक्टर मुझे दिया, उसमें 80 साल की बूढ़ी औरत का कैरेक्टर इन्होंने मुझे दिया। अच्छा, तो मजे की बात यह है कि उसमें एंड पे मेरा नाम लिखना भी भूल गए और ड्रामे में मुझे किसी ने पहचाना भी नहीं। ड्रामे में एंड पे ये हुआ कि वो जब मैं अपने बेटे के मुंह में नवाला डाल रही होती हूँ ना, तो मेरी भाभी ने मेरी अंगूठी पहचान ली, कहती है ये बाजू है, मैंने उनकी अंगूठी देखी है, ये बाजू है। मतलब इतना वो था, इनमें इतना कॉन्फिडेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह ये करवा भी लेते हैं माशाल्लाह से। इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छा डायरेक्टर जो होता है वो एक्टर से काम करवा लेता और आर्टिस्ट की किस्मत होती है कि उनको ऐसा डायरेक्टर मिल जाए। हर किसी को मिलता भी नहीं है। बाज़ूकात आर्टिस्ट को खुद नहीं पता होता कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, हाँ, या मैं कितना वर्सटाइल हूँ, लेकिन डायरेक्टर को वो टैलेंट नजर आ जाता है। बिल्कुल। और मेरे से इन्होंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर करवाए, बहुत ही, मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि मैंने ये किए होंगे। चलें, गुड लक, अल्लाह करे आप इससे भी ज्यादा अच्छे अच्छे काम करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम राजाज एंटरटेनमेंट के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इसको तरक्की दे, क्योंकि फारूक अब्बास साहब ने ये फिर चैनल शुरू किया है। अल्लाह पाक इनको ज्यादा तौफीक दे के ज्यादा से ज्यादा काम करें और इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और तरक्की दे इनको बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआएं इनके साथ। और आप भी हमारे साथ ही हैं, हम आपको बुलाते रहेंगे और आपके तजुर्बे से हम फायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप जान बिल्कुल भी ना छुड़ाएं। आप अक्सर आएंगी और आप हमारे साथ। जान मैं किसी और से छुड़ा भी लूं, लेकिन ये राजाज एंटरटेनमेंट एक ऐसी है ना, मुझे आदत लगी हुई है कि मुझे किसी भी वक्त आवाज देते हैं ना, मैं ठीक हूँ ना हूँ, बिजी हूँ, जो भी हो, मैं पहुँचती हूँ हमेशा। ये आपका प्यार है। और हमने अपने दोस्तों को अपने सारे साथी फनकारों से इसीलिए मिलाया है कि हम इन सब दोस्तों को वक्तन फवक्तन बुलाते रहेंगे और आप इनकी एक्टिंग देखते रहेंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल बटन को पुश करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब लोग आपको बार बार नजर आएंगे और ऐसे ऐसे रोल होंगे कि आप देखना चाहते हैं। मजीद हमें बताइएगा कि आप हमारे किन किन फनकारों को देखना चाहते हैं, किस तरह के रोल देखना चाहते हैं, हमारे किस फनकार के बारे में क्या जानना चाहते हैं, हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। अब है हमारे इस शो का आखिरी सेगमेंट। अब हम शाह साहब से कहेंगे कि वो अपनी खूबसूरत आवाज में हमें कुछ सुनाए। जी मैं कलाम बाहू की जरूर आपकी नजर करूंगा, अपने देखने वालों को सुनने वालों की नजर। अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई बे बिस्मिल्लाह इस्म अलादा शफात सरवर आलम ते छुट सियालम सारा हूँ
गलियां दे विच थिरन न माने ते लाला दे वन जा रे ताड़ी मार उड़ाना बाहू असिया पे उड़न हारे माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। ये अल्लाह का फजल है जी, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही हम कोशिश करते हैं तो बस वो भाग लगा देते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहे। आप तीनों का बहुत 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 शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। मोस्ट वेलकम। आप आइंदा भी जब भी बुलाएंगे हम दिलो जान से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है। आपका बहुत शुक्रिया राज साहब, आपका अगेन बहुत शुक्रिया हमें आज बुलाने का, दोस्तों के साथ मिलवाने का, इकट्ठा करने का, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, हम आपको आइंदा भी जहमत देते रहेंगे क्योंकि हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपके साथ की, आपकी दुआओं की। और आप तो न्यू टैलेंट है, अभी आपसे बहुत काम लेना है। जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, फारूक साहब का बहुत शुक्रिया, और एक दफ़ा फिर सबको मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से, मेरे सीनियर्स की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, हमारे प्रोग्राम को आपने खुशियों से और ज़्यादा दुबला कर दिया। थैंक यू, वेलकम जी। फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है मुझे पूछने की तो ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम। यकीनन बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इंजॉय किया होगा और हमारे दोस्तों से मिलके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ होगा और आपको पता चल गया होगा कि हमारे दोस्त कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे फनकार हैं, फनकार होने के साथ साथ कितने अच्छे इंसान भी हैं। हम आपको इसी तरह अपने दोस्तों से मिलवाते रहेंगे और आपको हमारे इन फनकारों को जानने का मौका मिलेगा। हम कल भी अपने कुछ और दोस्तों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन सस्पेंस रहेगा कि कल हम आपको अपने किन फनकार दोस्तों से मिलवाने वाले हैं। वेट कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।